बिजनौर की नगीना लोकसभा क्षेत्र के कस्बा धामपुर ग्राम भनेड़ा में संविधान विचार गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जज मनोज कुमार का लोगों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और आगामी लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी पर वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संविधान लागू होने से पहले कुछ लोगों को वोट डालने का अधिकार था, लेकिन अब यह हर एक भारत के नागरिक को अधिकार प्राप्त है। आपका हर एक वोट देश व समाज का भविष्य बदलने की ताकत रखता है। लोकसभा के चुनाव में सभी अपना बहुमूल्य वोट को समझ कर आने वाले भविष्य को बनाने के लिए करें। उन्होंने कहा कि लड़ाई सत्य और असत्य के बीच की ऐसी हो जो परिश्रम से लड़ना चाहिए। परेशानियां तो बहुत आएंगी, लेकिन सत्य की ही जीत होगी। प्रिंसिपल साहब, आज धामपुर के इरशाद दिलशाद कॉलोनी में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, उसके बारे में बताएं। हाँ, मेरा नाम इकबाल अहमद अंसारी, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, और हमारी दिलशाद कॉलोनी में आज एक मीटिंग हुई चुनाव से संबंध में, कि उसमें सबसे पहले तो ये बात तय की गई कि हम सब लोगों को मिलकर वोट करना है। विशेष रूप से हम चाहते हैं कि लेडीज भी अपना वोट ज़रूर दें। किन मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया? हमारा आज के दौर की जो बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई अव्यवस्था, और जो ईमानदार लोग हैं उनको जेल जा भेजना ज़बरदस्त तरीके से, ये सब बातों को लेकर ये तय हुआ है कि हम गठबंधन के उम्मीदवार को ही सपोर्ट करेंगे और भारी मतों से उसको यहाँ से जिता के आगे ले जाएंगे।